मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड्स। सारे लोग नहा धो के फ्री हो गए, इधर तैयारी चल रही है स्कूल जाने की, और इधर आरती ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है। फ्रेंड्स, हम लोग रात के हारे थके हैं बहुत ज़्यादा, अयोध्या से लौटे हैं और उम्मीद करते हैं आप सबको ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा अयोध्या नगरी का। हमने जो है हर चीज़ हर पॉइंट दिखाने की कोशिश की। लास्ट में बैटरी डाउन हो गई, सरजू आरती नहीं दिखा पाए, सरजू आरती नहीं दिखा पाए, हनुमानगढ़ी नहीं दिखा पाए, मोबाइल डाउन हो गया था सरजू आरती पे, और रामलीला ग्राउंड में हम ज्यादा रुके नहीं क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। दशरथ महल, कनक मंदिर, ये सारी चीजें देखने के लिए फ्रेंड्स चाहिए कम से कम 3 दिन इस समय इस भीड़ भाड़ में। नहीं, देखने के लिए सारी चीजें देखी हमने, सारी चीज देख के आए, पर भागते भागते निकलते निकलते भागते भागते ऐसे देखी मोबाइल जमा हो गया था। तो वीडियो नहीं बना सके फ्रेंड्स, बाहर बाहर से जितना संभव था बनाया। और बच्चों कैसा रहा अनुभव तुम्हारा? बहुत अच्छा। खुश हो? हाँ, अभी फिर से चलेंगे 10 तारीख को। श्रद्धालु श्रद्धालु ज्यादा, अभी भीड़ बहुत होने के कारण क्या करते है कि तुम चलते रहो, नहीं सकते हो। मैंने तो मत्था टेक लिया था, कोई बात नहीं। अच्छा लगा रामलीला वो प्रतिमा। हाँ। जो फोटो रियल फोटो उनके जो दिखाए गए है उनसे तो मुझे लग रहा कई गुना ज्यादा सामने से देखने से सुंदर लगते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात भगवान बैठे हो बिल्कुल। और जो मंदिर है फ्रेंड्स, उसमें जब मठ अंदर से हम देखे देखते ही रहते थे, इतना सुंदर। आंखें हटती आने का मन नहीं था, बस टाइम टेकिंग था थोड़ा। अगर बच्चों के एग्जाम नहीं होते तो हम 100% रात को स्टे करते और सुबह निकलते। चलो फिर कभी चला जाएगा, अयोध्या पास में ही है, चलते रहेंगे। बच्चों रेडी हो जाओ भाई, ठीक है? आरती ने इधर फुल्की रेडी कर दी। और फ्रेंड्स मैं रोड पर आ गया, अरविंद सर का वेट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट में सर आ रहा है और निकलना है। भाई देखिए, मार्केट में भर भर के आने लगे अंगूर, बढ़िया मीठे मीठे पके पके। भैया क्या रेट चल रहे हैं अंगूर? 60 रुपये किलो चल रहे हैं फ्रेंड्स। कल ले गया था मैं यशिका के लिए खरीद कर, यशिका बहुत खाती है अंगूर। भाई बसंती आ गई हमारी, दम से हाथ ऊपर करो बेटे, और जोर जोर से कूदना शुरू कर दो। एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज शाबाश। ये देखो भैया मजा आ रहा है, बच्चों को आनंद लेते हैं बच्चे, ये देखो शाबाश, वेरी नाइस। स्टॉप प्लीज, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। फ्रेंड्स सुबह सुबह बच्चों की एक्सरसाइज हो जाती है, खुश हो जाते हैं, पूरा एनर्जेटिक हो जाते हैं। पेड़ वेड़ न तोड़ो भैया, एनर्जेटिक हो जाते हैं सारे दिन के लिए, फिर इनकी एनर्जी खत्म नहीं होती। और इसका फायदा मैं उठाता हूँ इनके पढ़ाने में, गिरना नहीं है, मस्ती मस्ती में एक्सरसाइज करनी है। करो सारे बच्चे शाबाश। इधर देखो कुछ बच्चे बाइक से आ रहे हैं, इन्हें जल्दी भेजा करो भैया, ठीक है? सुबह सुबह ना हम खेल खिलाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ। चलो ध्यान दूंगा, ठीक है? छोटे बच्चे हैं, नाम लिख गया? नाम तो लिखा है। हाँ हाँ, तब ठीक है। बाकी देखो कितनी मस्ती कराता हूँ, सुबह सुबह एक्सरसाइज भी हो जाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। डेली टाइम से भेजो, सुबह बहुत खेल कराता हूँ बच्चों से। कौन सा खेल खेलना है आज? धक्का मुक्की। लेकिन धक्का मुक्की करते समय ज्यादा जोर से धक्का ना मारना, कोई गिर गया दांत टूट जाएंगे, ठीक है? ओके स्टार्ट, धक्का मुक्की स्टार्ट। हाँ धक्का मुक्की, आराम से भैया आराम से धक्का मुक्की। हाँ कोई बात नहीं, मजे कर लो मजे कर लो।
बस 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 ये क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं गिराते नहीं है एक दूसरे को, खेल है। फ्रेंड्स देखिए, कभी कभार बच्चों के मन की कर लेने देना चाहिए। अगर ये मन की कर लेते हैं ना तो खुश रहते हैं और डेली आते हैं पढ़ने, एनर्जेटिक रहते हैं। मौज मस्ती बच्चों से मैं सुबह योग एक्सरसाइज के साथ साथ करा देता हूँ और फिर दिन भर चलता रहता है पठन पाठन। झगड़ा नहीं करते बाबू, अब रोना नहीं है, ठीक है? फ्रेंड्स संस्कार शुक्ला रो रहा है, छोटा बच्चा है, पापा से कह रहा है पापा गुरुजी हमको मारे ना। हम मारते थोड़े ही, खेल खिलाते बच्चों को, देखो गोद में लेते हैं। चलो शाबाश बच्चों, लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, क्लास स्टार्ट की जाए भाई, आ जाओ शाबाश। चलो चलो चलो, चलो लिख लिया का शाबाश। अब देख रहा हूँ मैं किसका अक्षर सुंदर है, दिखाओ भैया। देखो इसका अक्षर सुंदर, एकदम अच्छा बनाया। ये बिटिया भी हमारी अच्छा बनाई है, शाबाश, बहुत अच्छा बनाई है। ये बिटिया हमारी अच्छा बनाई है, बहुत सुंदर। चलो दूसरा अक्षर लिखो, ख। ब्लैक बोर्ड पे बाद में लिखना बेटा, जब ये न लिख पाए तब लिखना, ठीक है? पहले में लिखने दो, ख। दूसरा अक्षर लिखो, ख, खरगोश वाला ख। चलो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाओ। देखो भैया जो नहीं लिख पा रहा इस तरह से लिखेगा, ऐसे लिखेगा भैया की तरह, शाबाश, बहुत सुंदर। हाँ क्यों नहीं पढ़ने जा रही हो? पढ़ने क्यों नहीं जा रही हो? माँ ने कहा बिटिया को खिलाओ, और पढ़ने कौन जाएगा? माँ घूम रही, भैया इन्हें भेजा करो, दद्दू भेजा करो बच्चों को। अरे तो तुम्हारा भैया भतीज तो है, अच्छा अच्छा माँ बाप का कहना मानेंगे। साहिल तुम्हारा रोज जाता, देखो झरझर झरझर हिंदी पढ़ता है ना, वो पढ़ने में तेज है। हाँ इसलिए तेज है, रोज जाता है, जब रोज जाएगा तभी तो पढ़ा पाएंगे। कहाँ है इसकी मम्मी पापा, कहाँ है? आओ बच्चों दो लोग आओ मेरे साथ, आ जाओ। इसका घर बताओ कौन सा है? देखो भैया कितनी दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये बहाना करते। तमन्ना कहाँ गई? निकलो बाहर, ये क्यों घर में क्या कर रहे हैं बच्चे? छोटू स्कूल क्यों नहीं जाते हो? कल से स्कूल आना नहीं, देख लो फिर। कौन नहीं जा रहा है? तमन्ना क्यों पढ़ने क्यों नहीं जाती हो बेटी? चाय पी लोगी, कल से आना, ठीक है? गुड आफ्टरनून जान मोहम्मद, बढ़िया। अच्छा भेजा करो बच्चों को, इधर से जाते हैं सारे बच्चे? हाँ तब ठीक है, कोई घर पर ना देखे बच्चा। ये तुम कहाँ जा रहे हो बाबू? हैं क्या करो, ठीक है?